ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं। ओ भाई, ट्रक दिखाई दे रहा है बे, ट्रक दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। ओके, शायद से बोलो अंदर एक बार हम। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, माइकल इज हियर एंड आप सभी का स्वागत है इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज सुबह सुबह माइकल को लेस्टर का फ़ोन आया और लेस्टर ने कहा कि माइकल, तुझे 3 गाड़ियाँ चुरानी हैं, आज एक बहुत बड़ी बिजनेस डील होने वाली है गाड़ियों के रिलेटेड। गाड़ी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो कि अपनी गाड़ियाँ बेचना चाहता है और लेस्टर को चाहिए वो गाड़ियाँ, लेकिन माइकल ने सीधा मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगा, कि मैं गाड़ी नहीं चुराऊँगा। तो उसने बोला कि एक गाड़ी तुझे भी गिफ्ट में मिलेगी, उसने फिर भी मना किया। लेकिन उसके बाद जब माइकल को उसने गाड़ियों की फ़ोटो दिखाई तो माइकल खुश हो गया और माइकल ने बोला हाँ, मैं चुराऊँगा। और मैं उसने पहले ही डिसाइड कर रखी कि उसे कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको वहाँ जाके पता चलेगा। तो चलते हैं। और उसने बोला है कि अपने कपड़े वपड़े ढंग से पहन के आइए, मतलब कि शूटिंग करनी पड़ सकती है, वहाँ हमला करना पड़ सकता है, लोगों को मारना पड़ सकता है। Nobody शायद wants a इसी fat वजह से daughter. Babe, you don't gotta do इसी वजह that. से उसने बोला है कि कपड़े सही से पहन के आइयो। ये ठीक है, नहीं सूट नहीं चाहिए। ठीक, चलते हैं। हमें बस एक मास्क भी लेना है, वो हमें रास्ते में ले लूँगा। और वो लेस्टर हमें मिलेगा लॉस सेंटोस के कस्टम पे, उसने बोला है, और शायद मिले या फिर वो सीधा हमसे कॉल पे बात करे। उसने बोला है कि वो हमें लोकेशन भेज देगा अगर वो नहीं आ पाया तो। हम चलते हैं अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है। हमें वहाँ पहुँचना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो बिजनेस डील अगर वो पूरी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। हमें वो गाड़ी चुरा के लानी है और हमें उसमें से एक गाड़ी मिलेगी और वो गाड़ी बहुत मस्त है। आपको उन गाड़ियों के बारे में थोड़ी सी बाद में बताऊँगा, तो पहले चलता हूँ, पहले मैं मार्क लगा लेता हूँ लॉस सैंटोस के कस्टम पे, और मिलता हूँ आपसे सीधा लॉस सैंटोस के कस्टम पे। ओके, ज़्यादा दूर नहीं है, हम पहुँचने वाले हैं। ये रहा। ओके, लेस्टर तो कह रहा था वो यही मिलेगा। चलो एक बार उसे कॉल करके देखता हूँ, लगा देता हूँ पहले गाड़ी, फिर उसे कॉल करके देखता हूँ कि वो कब तक आ रहा है, या आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। पहले गाड़ी लगा लो ढंग से। हाँ, अब उसे कॉल करके देखते हैं। चलो मैं उसे कॉल पे बात करता हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलता हूँ। ओके गाइस, तो लेस्टर से हमारी बात हो गई और लेस्टर ने कहा है कि वो नहीं आ पाएगा, लेकिन उसने हमें जैसा कि मेरे को कॉल पे बताया कि वो यहाँ पे होगी बिजनेस डील और हमें यहाँ पे जाना है, हमें जल्दी जाना है, जल्दी पहुँचना पड़ेगा। और माइकल को मास्क भी लेना है अगर माइकल कर सके तो, नहीं तो लेस्टर बैठा है, लेस्टर सारा रिकॉर्ड उड़ाने के लिए ही आए, इसी वजह से वो लेस्टर नहीं आया, क्योंकि उसे वहाँ कि क्रिमिनल में जो माइकल का सारा डाटा होगा वो लेस्टर वहाँ से हटा देगा, क्रिमिनल डाटाबेस से। तो लेस्टर इसी वजह से नहीं आया, तो फिलहाल हम चलते हैं। बट कोई नहीं, अगर उसने बोला है कोई नहीं तू कैसे ही जा, तेरे को दिक्कत नहीं होगी मास्क वास्क की, तो हम चलते हैं। ओके, मेरी ड्राइविंग अच्छी नहीं है इसलिए पहले ही बता रहा हूँ। उन गाड़ियों को भी बहुत संभाल के लाना होगा, क्योंकि बाकी जो 2 गाड़ी हैं वो गाड़ी हमें शायद से लेस्टर ने किसी उसका वो हुआ है, क्या कहते हैं, उससे डील हुई है किसी से उसकी, कि वो बाकी की 2 गाड़ी बेके का 3 इसलिए करना पड़ा क्योंकि माइकल उसे डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। माइकल ने बोला कि मैं नहीं रो करूँगा, गाड़ी नहीं चुराऊँगा। तो उसे बोलना पड़ा कि उसने बोला कि कोई नहीं, उसके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि माइकल पैसे नहीं ले रहा है। माइकल ने बोला मुझे पैसों की नहीं है, मुझे बस वो गाड़ी चाहिए,
क्योंकि वो गाड़ी बहुत मस्त है और बहुत तगड़ी गाड़ी है, और आपको उस गाड़ी के बारे में एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, एक स्पेशल वीडियो बनेगी। वैसे तो उसे मॉडिफाई कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ देखते हैं अगर कुछ चीज़ की कमी होगी माइकल के अकॉर्डिंग तो वो हम बनाएंगे और दिखाएंगे। ओके ठुक गई गाड़ी, बहुत दूर है वो जगह जहाँ उसने प्लान किया है लेस्टर ने सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा दूर है वो जगह पूरी की पूरी। बट कोई नहीं, अब अगर कर रहे हैं तो जब उसको गाड़ी पसंद आई और उसे वो गाड़ी चाहिए, पैसे नहीं चाहिए माइकल को, बट कोई नहीं, अगर माइकल को पैसे नहीं चाहिए गाड़ी चाहिए। वैसे तो मैं सोच रहा था ये पैसे भी ले लेता तो इसके लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन खाली ये गाड़ी ले रहा है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, ये माइकल है, ये कुछ भी कर सकता है। तो ओके ओके आ गए हम लगभग, अभी भी 3 माइल्स का रास्ता बचा है। कोई नहीं, हाईवे पे आ गए हैं, शायद अब थोड़ी सी जल्दी पहुंच जाए। इसको बंद करो, नहीं अभी नहीं होगी। गाड़ी बहुत मस्त है, लेकिन स्पीड भी ठीक ठाक है, उस गाड़ी की स्पीड भी बहुत अच्छी है। हाँ देखना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो ज़रूर देखना। गाड़ी ठुक गई, गाड़ी का हाल बेहाल हो गया। हमें वहाँ पे, चलो आपसे मिलता हूँ वहीं पहुँच कर सीधा। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं। ओ भाई ट्रक दिखाई दे रहा है बे, ट्रक दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ दिखाई दे रही है। ओके शायद से वो जो अंदर है, एक बार हम नॉर्मली घूम के जाएंगे, नॉर्मली ऐसे जाएंगे इधर रोड पे से। ओके भाई गार्ड्स वार्ड्स पूरे बैठा रखे हैं बे, निकलो यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ कि सामने वाली पहाड़ पे जाके स्नाइपर से इनको मारते हैं, उसके बाद फिर ट्रक निकालते हैं। अगर दिक्कत हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, अगर कुछ हुआ और इन्होंने इन्हें पता लग गया मैं सामने जाऊँगा तो ये फेल देंगे। ओके ये पहाड़ ठीक है। ओके पहले मैं अपना सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने क्या सोचा है, मैं पहले थोड़ी सी ऊपर जाऊँगा, मतलब इनके ऊपर चढ़ूँगा, इनके ऊपर चढ़ के देखता हूँ यहाँ से अगर निशाना, यहाँ से अगर वो दिखाई देते हैं। ओके यहाँ से वो सारे दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके एक मिनट। ओके तो अब हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले मुझे मारना चाहिए बिजनेसमैन को, मारता हूँ क्योंकि गार्ड्स रहेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन को एक काम करता हूँ, बिजनेसमैन को ना मारो क्योंकि बिजनेसमैन को ड्राइविंग नहीं आती है। मैं सबसे पहले मारता हूँ इसके बॉडीगार्ड्स को, तो एक। ओके इन्हें भी पता नहीं चला है, तो एक स्टार की पुलिस भी लग गई है, और सारे गए। ओके गाइस, तो फटाफट हम चलते हैं, और हमें सबसे पहले वो जाके ट्रक चुराना है और कुछ नहीं करना। और जहाँ तक है लेस्टर, ये पुलिस 2-3 मिनट के अंदर अंदर हटा देगा। ओके ओके ओ भाई फटाफट फटाफट, पहले गन अनसेलेक्ट करो, जाओ फटाफट फटाफट, चल जल्दी। ओ भाई देखो क्या कार है, मैं अभी बताता हूँ मैंने कौन सी कार ली है। चलो चलते हैं फिर अब। ओके चलते हैं इधर को। ओके हम ओके, पुलिस जल्दी से जल्दी लेस्टर हटा दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और हम ये ट्रक फिर ले जा सकेंगे। लगता है लेस्टर ने पुलिस हटा दी है। ओके उसका काम, उसने काम ऑलरेडी कर दिया। धीरे धीरे निकलना है यहाँ से, और उसने कहा था कि ये हमें इसे लॉस सैंटोस के कस्टम में ही जाके इसे खड़ा करना है। ओके बहुत लंबा सफ़र है, बहुत ही ज़्यादा। ये जो आपको सबसे आगे जो कार दिखाई दे रही है ना, जो ट्रक के साइड में सबसे आगे कार है गोल्ड कलर में, जी हाँ मैं वही लेने वाला हूँ, जो हाँ वो माइकल वही लेने वाला है।
माइकल ने उस कार को देखते ही हाँ कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं तीनों कारों को चुराऊंगा, क्योंकि उसे वो चाहिए थी। उसने बोला कि मुझे पैसे वैसे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मैं ये कार लूँगा अगर ये चुराएगा तो। निकालो निकालो भाई निकालो। ओके आराम से ले जाते हैं। वैसे ट्रक बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा, देख सकते हो इसकी स्पीड 100, तो 100 भी मुश्किल से होगी इसकी स्पीड। ओ भाई एक तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रक है, मोड़ने में इसे बहुत दिक्कत होने वाली है। ओके ये ऐसे ऐसे मोड़ में इसे बहुत दिक्कत होने वाली है। वो तो अच्छा है, तीनों कार एकदम मस्त तरीके से अटैच हैं। मैं आपको वहाँ जाके आराम से दिखाऊंगा ये तीनों कार, क्योंकि यहाँ मैं रुकता तो पुलिस वाले पेल देते और लेस्टर भी कहते तेरे को एक काम दिया था तेरे पे, वो भी नहीं हुआ, उसके बदले तेरे को गाड़ी भी मिल गई थी लेकिन तेरे पे फिर भी नहीं हुआ। तो इस वजह से हम पहले चलते हैं, उसके बाद ही बाकी काम करते हैं, क्योंकि लेस्टर का तुम्हें पता ही है, लेस्टर है बड़ी लंगड़ा लेकिन है सनकी, वो लंगड़ा है लेकिन सनकी बहुत है। तो आराम आराम से चलते हैं यहाँ से और बाइकर गैंग से संभाल के। और इन गाड़ियों की एक स्पेशल बात ये है कि ये पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ डैमेज प्रूफ हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। अगर हम इन पर बॉम्ब भी लगा दें, स्टिकी बॉम्ब लगा दें, ग्रेनेड फेंकें, कुछ भी नहीं होता इनको। इनके टायर भी प्रूफ डैमेज प्रूफ हैं। तो इस वजह से माइकल ने बोला, इसी वजह से, क्योंकि इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, एक तो वो गाड़ी भी गोल्ड में है, प्योर गोल्ड में है, गोल्ड नहीं प्योर गोल्ड, और साथ में वो पूरी की पूरी डैमेज प्रूफ है। अगर कभी बाय चांस पुलिस वालों से पंगा होता है तो माइकल उस गाड़ी को उनमें बैठ के जा सकता है और इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई नहीं, अब यहाँ से ऊपर चढ़ाना है। You got lucky, buddy. ओके ये बहुत बड़ा दिक्कत वाला काम है, यहाँ से ट्रक को ऊपर चढ़ाना है। ओके सिर्फ 1 माइल्स बचे हैं हमें लॉस सैंटोस के कस्टम तक पहुँचने में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पहुँच जाएंगे। इसने बोल बस गाड़ियाँ अपनी सही सलामत रहें, गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर गाड़ी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी सेफ है अपनी, और मैं आपको इसी वीडियो में चलो वैसे तो पहुंचने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत ठुक रही है, बहुत ज़्यादा ट्रक ठुक रहा है। लेस्टर को सारा रिकॉर्ड हटाना होगा मेरा, क्योंकि डाटाबेस से सारा का सारा रिकॉर्ड मिटाना होगा लेस्टर को। ओके तो बस हम बहुत ज़्यादा करीब है लॉस सैंटोस के कस्टम से, बहुत ज़्यादा, और जी हाँ हम पहुँच चुके हैं। अब भी लेस्टर होगा या नहीं मुझे कुछ नहीं पता, लेस्टर ने बोला अगर मैं मिलूँ तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रक पार्क करके हमें जाना है, हमें ये ट्रक पार्क करके जाना है, बस दिक्कत हो जाएगी। मैं ट्रक को पार्क करके और मैं यहाँ से निकलता हूँ और लेस्टर मेरी वाली गाड़ी जितने मैं अपने घर पहुँचूँगा मेरी गाड़ी पहुँचा देगा और ये ट्रक भी यहाँ से चले जाएगा। मैं आपको फिर दिखाऊँगा अब माइकल क्या करता है। तो यहाँ से कोई सी भी गाड़ी नहीं उठानी है, हम अपने घर को निकलते हैं। ओके तो कौन सी गाड़ी ली जाए, वो वाली गाड़ी ली जाए, ये वाली गाड़ी। ओके लेस्टर को फ़ोन कर देता हूँ एक बार में वापसी हुई जाके उधर। ओके ये एक बार ये म्यूज़िक बंद हो जाए, हाँ लेस्टर को एक बार फ़ोन कर देता हूँ और बोल देता हूँ कि तेरी गाड़ी जो तूने ऑर्डर दिया था ना गाड़ियों का वो आ चुका है। ओके ओके तो गाइस लेस्टर से हमारी बात हो चुकी है और लेस्टर ने बोला ठीक है मैं तेरी गाड़ी जितने तू अपने घर तक पहुँचेगा उतने गाड़ी मेरी वो पहुँचा देगा, जल्दी पहुँचा देगा,
उससे पहले ही पहुंचा देगा मेरे पहुंचने से पहले। तो मैं पहले अपने घर का रास्ता मार्क कर दूं, दूर नहीं है शायद। मैं जब अपने घर पहुंचूं मुझे वो मेरे घर के बाहर ही खड़ी मिले गाड़ी। ओके गाइस, तो गाड़ी को भाई क्या है, टक्कर क्यों मार के जा रहा है। गाड़ी ख़राब हो गई थी, दिक्कत आ गई, तो मैं दूसरी गाड़ी लेके अपने घर चलता हूँ जहाँ तक लेस्टर ने अब तक पहुँचा दी होगी। मेरी गाड़ी वाली पता नहीं कैसे ख़राब हो गई, मतलब चलनी बंद हो गई बीच में, तो मैंने सोचा कि दूसरी गाड़ी ली जाए, और मैंने ये वाली गाड़ी ली है। और ये माइकल की अपनी है, क्योंकि ओ भाई उसने पहुँचा भी दी। वो किसकी गाड़ी है, और ट्रेसी की गाड़ी है आई गेस। तो निकलते हैं। देखो गाइस, ये है माइकल की पसंद, और ये गाड़ी जो कि माइकल ने चूज़ करी है। मैं आपको एक बार ऐसे दिखाता हूँ, आपको इसकी पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं। और ये बाहर से दिखने में ऐसी लगती है, और ये प्योर गोल्ड है, और इसके टायर्स पे जो रिम्स हैं वो भी गोल्ड के हैं, क्रोम के साथ है। और अंदर से आपको ज़रा मैं इसका एक बार वो दिखा दूँ, देख सकते हो क्या लगती है अंदर से ये कार। और ये देखो सामने डिस्प्ले है। चलो मैं आपको सारे गेट ओपन करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो सारे गेट ओपन हो गया फटाफट फटाफट। ओके, ये वाला गेट बंद हो गया है, बट कोई नहीं, मैंने सारे बाकी गेट ओपन कर दिए हैं। ये गाड़ी कुछ ऐसे लगती है, ये यहाँ से भी खुलते हैं, बट मुझे इनका नहीं पता ऐसा क्यों है। मैंने इस गाड़ी के बारे में पूरा देखा था, तो मैंने सोचा भाई ये वाली गाड़ी ही ली जाए, क्योंकि वहाँ पे थी तीनों सेम, लेकिन मुझे ये वाला कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ये प्योर गोल्ड है। तो चलो पहले फटाफट से सारे गेट बंद कर दिए जाएँ। ओके, तो सारे गेट बंद कर दिए हैं। ये गाड़ी देखो कुछ ऐसी लगती है। अब फटाफट से पार्किंग में खड़ी कर लेते हैं अपनी, उन पार्किंग में खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। और बस Honey, I'm home. ओके, रात भी हो गई, आज पूरा दिन इसमें चला गया। अच्छा, और ये गाना बंद करो। ये वाली गाड़ी निकालो, क्योंकि मेरे पैसे दो सेम है, बट मैं रखूँगा नहीं, ये वाली गाड़ी बेच देंगे। और ओ भाई बाहर से देखो क्या लगती है ये गाड़ी, और ये पूरी डैमेज प्रूफ है। इसकी पूरी की पूरी वीडियो कल आपको दिखाऊँगा मैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको पता लगेगा कि ये पूरी की पूरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, इसकी स्पीड कितनी है। तो चलते हैं, और बस इस वीडियो को एंड करने का वक्त भी आ रहा है। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ किसी और अनदर GTA 5 या माइनक्राफ्ट की वीडियो में। तो टिल देम, बाय।